Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस और महागठबंधन में बहस चल रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि दोनों पार्टियों के जो तेवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़वे हैं, जिसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चाएं जो है लगातार विधानसभा में गूंजती नजर आ रही है। बात करें जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का उन्होंने ग्रहण किया था, उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार कटाक्ष और उनको घेरने की कोशिश किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री जिस तरीके से बने थे, उसके बाद से मेवालाल को कहीं ना कहीं आरोपों में जिस तरीके से घिरे हुए थे, उसको लेकर कड़ा विरोध के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चुना हुआ मंत्री कितने दिनों में इस्तीफा दे सकता है। तो इससे विपक्ष के जो तेवर हैं वो आप जान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होने वाला था और उनका चुनाव जो होता है वो सर्वसम्मति के साथ होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यानी कि एनडीए अलायंस के जैसे ही कैंडिडेट उन्होंने उतारा, उसके बाद विपक्ष भी अपना एक कैंडिडेट उतार दिया था। और चुनाव के दौरान भले ही वो अध्यक्ष बन गए हों यानी कि एनडीए अलायंस के अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विधानसभा में गहमागहमी देखने को मिली थी और काफ़ी तीखी भी बहस हुई थी और गुप्त मतदान को लेकर भी बातें चल रही थी। लेकिन अब हम बात करें तो वो चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की खाली हुई सीट राज्यसभा सीट को लेकर होड़ मच गई है और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि कोई आसानी से राज्यसभा नहीं पहुंच सकता है। वैसे अगर हम बात करें तो इस बार एलजेपी के खाते वाली सीट एलजेपी के खाते में नहीं गई, क्योंकि नीतीश कुमार के विरोध में चिराग पासवान ने बिगुल फूंक दिया था, जिसको लेकर उनके पास इतना बहुमत नहीं है कि वो एलजेपी की तरफ से किसी को राज्यसभा भेज सके। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस ने सुशील कुमार मोदी और शहनवाज हुसैन के नाम पर चर्चा की है, जिसमें सुशील कुमार मोदी का नाम काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहा है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि मुस्लिमों की राजनीति करने के फिराक में और उनके कुछ वोटरों को आकर्षित करने के लिए हो सकता है तो शहनवाज हुसैन को जो है राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, लेकिन लगभग जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी के पक्ष में है। वही अगर हम बात करें तो विपक्ष भी इसको ऐसे ही खुले नहीं छोड़ रहा है और उसके लिए भी अपने अंदर ही अंदर कैंडिडेट का नाम जो है वो चुन लिया है और जो भी एनडीए का कैंडिडेट होगा उसके प्रति जो है खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। बात करें तो आरजेडी से दो नाम सामने आ रहा है। पहला नाम आ रहा है जगदानंद सिंह का, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं और जिस तरीके से अगड़े वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने में सक्षम हो पाते हैं, तो चाहती है पार्टी कि कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह को राज्यसभा में भेजा जाए और उनके नाम पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो वहीं दूसरा नाम की बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की चल रही है, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे और मुस्लिम के एक बहुत बड़े नेता हैं, तो मुस्लिमों को हितैषी बताने के चक्कर में आरजेडी चाहती है कि उनको भी राज्यसभा भेज दिया जाए। फैसला देखना होगा कि आखिरकार किसके पक्ष में जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार में ये सरकार बनी है और काफ़ी गहमा गहमी के बीच में सरकार बनी है, तो आरजेडी और महागठबंधन नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से विपक्ष पार्टियों को वॉकओवर दिया जाए। इसलिए चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, हर में वो जो है अपने नेता को उतार रही है, क्योंकि वो वॉकओवर नहीं देखना चाहती है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष के जो तेवर हैं वो कितने कड़वे हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.